फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, सुस्वागतम फ्रेंड्स। बात करते हैं आज इवियान कैप्सूल। इवियान क्या होता है? इवियान एक प्रकार का विटामिन ई कैप्सूल होता है। विटामिन ई इसमें पड़ा होता है 400 mg और 200 mg, 400 mg एंड 200 mg दोनों आता है। तो इसमें होता क्या है, प्योर विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेराल के नाम से भी जानते हैं, टोकोफेराल पड़ा होता है। फ्रेंड्स, इसका जो यूज़ होता है वो लाइक स्किन ग्लो में, और आपको एलोप्लेसिया में बहुत अच्छा रिस्पांस है। जिसका हेयर लॉस होता है या हेयर फॉल होता है, बाल जिसका झड़ता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसमें है। स्किन ग्लो, आपका स्किन जो रेसेस वगैरह है इसमें भी बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आता है। तो एक प्रकार से इसका विटामिन ई का मेन रिस्पॉन्स होता है, स्पेशली फॉर हेयर लॉस। इसका हेयर लॉस होता है विटामिन ई 400 mg अगर वो पर डे लेता है। हालांकि एडल्ट डोज 15 mg नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 400 mg पर डे लेता है तो नियर अबाउट 1 month अगर प्रॉपर लेगा तो उसका एलोप्लेसिया रुक जाता है। अब बात करते हैं दोस्त, जो विटामिन ई होता है वो उसकी डिफिशियंसी से क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। अब उसकी डिफिशियंसी से कभी कभी आपको हेडेक फील हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि हेयर लॉस हो जाएगा। विटामिन ई से हेयर लॉस भी होता है, आपकी स्किन का जो ग्लो है वो ग्लोपन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये विटामिन ई डिफिशियंसी की बात करते हैं। अब विटामिन ई अगर आप ओवर डोज में लेते हैं, इसका डोज नियर अबाउट 15 mg एक एडल्ट डोज पर डे होता है, लेकिन जिसको अगर डिफिशियंसी कमी है तो 400 mg भी नियर अबाउट 1 month 15, जिसको जिस हिसाब से विटामिन की डिफिशियंसी हो उस हिसाब से लिया जाता है। अगर आप 400 mg बराबर कंटिन्यू साल दो साल, जिस मतलब लॉन्ग टाइम अगर लेते हैं, तो इससे आपको हेडेक हो सकता है। इसका एडवर्स इफेक्ट, हेडेक आएगा, नॉजिया फील होगा, थ्रस्ट लगेगी, लाइक एक मेनिनजाइटिस मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने के मिले बहुत लंबे समय तक अगर आप विटामिन ई लेते हैं, हायर डोज में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई जनरली आपको बहुत ही सस्ता 35 से 40 रुपये इसका 10 कैप्सूल का रेट होता है, कहीं भी मिल जाएगा, हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाता है। विटामिन ई इवियान कैप्सूल के नाम से आता है, 200 mg एंड 400 mg दोनों में आता है। तो फ्रेंड्स, इजीली अवेलेबल हो जा सकता है विटामिन ई। थैंक यू फ्रेंड्स।